तीनों मूवी मुझे अच्छी लगी है, दीपिका पादुकोण और इनकी तीनों मूवी। देखिए काफी लोग ये फिल्म देखकर बाहर निकले, चलिए चर्चा करते हैं। सर से सर, आप ये फिल्म पठान मूवी देख के आए, आपको कैसा लगा? मेरा पर्सनली सबसे रिक्वेस्ट है कि ये मूवी जरूर देखें। जी जी जी। जिस प्रकार से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बढ़िया मूवी है। अच्छा, बहुत अच्छी, सुपर सुपर जाएगी भाई की मूवी। हेलो, ये मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। अच्छा, बहुत अच्छी मूवी, फुल एंजॉय किया, बहुत अच्छी मूवी है। और मेरा ये मैसेज है कि लोगों को फिल्म देखना चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है, एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा हुआ, शाहरुख खान ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, ज़बरदस्त मूवी है, बहुत शानदार मूवी है। तो 500 करोड़ तो मतलब एक हफ्ते के अंदर कमा ली, टोटल कलेक्शन बॉक्स ऑफिस का ही रहेगा। तो काफ़ी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, गांधी एंट्री ज़बरदस्त, सुपर सलमान भाई सुपर। दर्शकों में काफ़ी उत्साह है फिल्म को लेकर, काफ़ी भीड़ है। और हेलो फ्रेंड्स, मैं लाइफ ओके न्यूज़ से शर्मिला जैन, आज हम आए पुराने भोपाल स्थित संगम सिनेमा हॉल में। यहाँ पर पठान मूवी का प्रदर्शन किया जा रहा है। काफ़ी दिनों से लोगों में इस फिल्म का उत्साह था, ब्लॉकबस्टर मूवी है और काफ़ी भीड़ है इस फिल्म को देखने के लिए। और ये फिल्म सुपर डुपर हिट होने जाने वाली है, क्योंकि काफ़ी दिनों पहले ही लोगों ने इसकी एडवांस बुकिंग कर दी है और सुबह से ही काफ़ी भीड़ है, लोग इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी बेचैन हैं। चलिए उनसे चर्चा करते हैं, ये फिल्म उनको कैसी लगी, और इस फिल्म में शाहरुख खान, सलमान खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम, इतने सुपर हीरो की फिल्म है ये, तो उनको ये फिल्म देख के कैसा लगा, चलिए चर्चा करते हैं। दोस्तों अपन चर्चा करते हैं दर्शकों से कि उन्हें यह फिल्म कैसी लगी और उन्होंने कितना एंजॉय किया। हेलो, आपको ये पठान मूवी कैसी लगी? अच्छी, मस्त मूवी। आपने पैसे वसूल हो गए? यस, पैसे फुल वसूल है, वो फुल वसूल पैसा। अच्छा, शाहरुख खान की काफ़ी दिनों बाद इतनी अच्छी मूवी आई, तो आपको देख कर कैसा लगा? बात ये है कि वो फिल्म जो बनी है जी, ये यीशु के ऊपर नहीं है, ये देशभक्ति के ऊपर बनी है मूवी। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिर से एक फिल्म आई, तो पुरानी मूवी से कहाँ तक अच्छी है? बट ये इनकी तीनों मूवी मुझे अच्छी लगी है, दीपिका पादुकोण और इनकी तीनों मूवी अच्छी। देखिए काफ़ी लोग ये फिल्म देखकर बाहर निकले, चलिए चर्चा करते हैं। सर से सर, आप ये फिल्म पठान मूवी देख के आए, आपको कैसा लगा? मेरा पर्सनली सबसे रिक्वेस्ट है कि ये मूवी जरूर देखें। जी जी जी। जिस प्रकार से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पिक्चर एक बहुत ही देशभक्ति से भरी हुई पिक्चर है, भारत माता को समर्पित मूवी है। बहुत अच्छा, सर को बहुत अच्छी मूवी लगी, और आशा करती हूँ सभी दर्शकों को जो उम्मीद थी उस पर ये फिल्म खरी उतरी होगी। चर्चा करते हैं, हेलो, फिल्म कैसी लगी आपको? एक नंबर, बहुत मस्त पिक्चर है। शाहरुख खान की एक्टिंग कैसी रही? बहुत अच्छी रही शाहरुख खान की एक्टिंग। आपने जिस उम्मीद से टिकट खरीदे थे फिल्म देखने गए, तो उस पर खरी उतरी फिल्म? एक नंबर, उससे ज़्यादा खरी उतरी, बहुत अच्छी पिक्चर बनवाई थी, देखने में बहुत मजा आया। चलिए चर्चा करते हैं हमारे एक सर से और पूछते हैं उन्हें ये फिल्म कैसी लगी और उन्होंने कितना एंजॉय किया। सर, आपको ये पठान मूवी कैसी लगी? पठान बहुत अच्छी लगी और हमने काफी एंजॉय किया इसमें, और हमें कहीं से नहीं लगा कि इसको बायकॉट करना चाहिए था। वेरी गुड फिल्म, दर्शकों ने काफी इंजॉय करा और बोल रहे हैं पैसे भी वसूल हुए। चलिए और हमारे दर्शकों से चर्चा करते हैं। हेलो, बिल्कुल जीरो में से जीरो जीरो। हेलो, बढ़िया मूवी है, बहुत अच्छी, सुपर सुपर जाएगी भाई की मूवी। हेलो, मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। अच्छा, हेलो, चलिए अगले दर्शक से हम बात करते हैं कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी और उनके पैसे वसूल हुए, उन्होंने कितना एंजॉय किया। आपको ये फिल्म कैसी लगी? फुल एंजॉय किया, बहुत अच्छी मूवी है। और मेरा ये मैसेज है कि लोगों को फिल्म देखना चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है, एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा हुआ, शाहरुख खान ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, ज़बरदस्त मूवी है, बहुत शानदार मूवी है। शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की भी एक्टिंग कैसी रही? जॉन अब्राहम की अपने कार में अच्छी एक्टिंग रही है, लेकिन दीपिका पादुकोण की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। दोस्तों, दर्शकों और शाहरुख के फैंस का कहना है कि फिल्म काफ़ी अच्छी है, और भीड़ भी बता रही है कि फिल्म काफ़ी अच्छी रही, और हम काफ़ी अच्छी फिल्म थी, तकरीबन सुपर हिट डुपर हिट जाएगी, तकरीबन 400-500 करोड़ तो मतलब एक हफ्ते के अंदर कमा ली, टोटल कलेक्शन बॉक्स ऑफिस का ही रहेगा। दर्शकों में इतना उत्साह है, सभी लोग काफ़ी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। गांधी एंट्री ज़बरदस्त, सुपर सलमान भाई सुपर।
दर्शकों में काफी उत्साह है इस फिल्म को लेकर, काफी भीड़ है और शाहरुख के फैंस काफी इकट्ठे हुए और काफी तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पर शाहरुख खान की फिल्म देख के निकलना है, सभी ऑडियंस बता रहे हैं कि बहुत अच्छी फिल्म है। दर्शकों का उत्साह देख के लग रहा है कि काफी जनता काफी खुश है और फिल्म से जुड़ने की वो सफल है। दर्शकों की भीड़ और दर्शकों का उत्साह बता रहा है कि काफी अच्छी फिल्म थी और उन्हें काफी अच्छा लगा। देखिए शाहरुख खान के प्रदर्शन, शाहरुख खान के फैंस की भीड़ दर्शकों ने जो उम्मीद रखी थी शाहरुख खान से वो उन खरे उतरे और इसी तरह की आगे शाहरुख खान फिल्में देते रहेंगे सुपर डुपर हिट और इसी तरह भीड़ बढ़ी रहेगी और अगर तो काफी आगे जाएगी ये फिल्म और काफी करोड़ों में इसकी इनकम होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस फिल्म को देखा, फिल्म कैसी लगी? बहुत प्यारी, अमेजिंग, सुपर डुपर हिट, बहुत प्यारी। शाहरुख खान की अब तक की मूवियों में से ये कंपेयर बेस्ट है, एक्शन मूवी, सबको देखना चाहिए। आप लोग इस फिल्म को बार बार देखना पसंद करेंगे? ब्लॉकबस्टर मूवी आएगी इस साल की सबसे बहुत वाइट लगी सुपर हीरो की। मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, बार बार देखना चाहेंगे। एक नंबर की साहब फ्रैंक की फिल्म, एक नंबर बेहतरीन, तो मजा आ गया। एक पठान पूरा देश पर लेकर ये उत्साह ये प्रदर्शित करता है कि फिल्म काफी अच्छी है और लोगों को काफी एंजॉय किया है और फिल्म काफी अच्छी रही। भीड़ देख के ही लग रहा है और लोगों का एंजॉय देख के लग रहा है कि फिल्म उन्हें बहुत पसंद आई है, बहुत ज्यादा पसंद आई है। मैं बता नहीं सकता आपको, एकदम स्पेक्टुलर विजुअल्स थे उसके। जो मूवी के डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद, उन्होंने हॉलीवुड लेवल की मूवी हमें दी है यहाँ पे, और जब उसमें सलमान भाई आते हैं पूरा थिएटर ऐसे गूंज उठा था कि आप देख नहीं सकते। अगर आप अंदर होंगी तब आप जाके पता चलेगा कि क्या डायरेक्शन है, क्या म्यूजिक है। जब सलमान भाई आते हैं और शाहरुख भाई के सिक्स पैक ऐप दिखते हैं, ब्रो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, यू मस्ट वॉच दिस मूवी एट द थिएटर ओनली। पठान मूवी और लाइफ ओके न्यूज के लिए कुछ कहेंगे? पठान मूवी सबसे अच्छी है इस टाइम पे, सबका रिकॉर्ड तोड़ने वाली मूवी यही लग रही है मुझे। दोस्तों शाहरुख और सलमान और जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण के ज्वाइन में ये फिल्म बनी है और बहुत अच्छी मूवी है, सुपर डुपर हिट। सर आपको सुपर हिट, शाहरुख खान की फिल्म सुपर हिट, एक नंबर सुपर हिट। देखिए लोग कितना खुश हैं इस फिल्म को देखकर, इस भीड़ का उत्साह देख के लग रहा है कि फिल्म काफ़ी हिट होने जाएगी और उम्मीद से ज़्यादा ये पैसे कमाएगी। बने रहिए लाइफ ओके न्यूज़ के साथ। कुछ विरोध प्रदर्शन ना हो, कुछ घटना ना हो, इसलिए यहाँ पर काफ़ी पुलिस बल भी लगा हुआ है। सर की कस्टडी में यहाँ पर ये फिल्म का प्रदर्शन हो रहा है। चलिए चर्चा करते हैं कि यहाँ पर कोई विरोध या कुछ आपत्तिजनक घटना तो नहीं हुई। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका नाम? राम करण सिंह जी। आप किसी थाने में हैं यहाँ? हाँ, थाना मंगलवार में। जी 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 सर, ये इस फिल्म का विरोध काफ़ी हो रहा है, तो इस फिल्म में कोई आपत्तिजनक घटना तो नहीं हुई? ऐसी कोई घटना नहीं है, अपन ने देखी भी है वो। जी जी। जो मूवी के लिए था वो काट दिया गया है पहले, ऐसा कुछ नहीं दिखा, देश के ही प्रति है उसमें, ऐसा तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई गलत है। SP CSP साहब सब देखे हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आपने ये फिल्म देखी, आपको कैसी लगी? ठीक है, बहुत ज़्यादा वो नहीं, पर है देश के प्रति मार काट ज़्यादा है, अपन ज़्यादा फिल्म देखते नहीं। हाँ, है, बुरा नहीं लगा ऐसा कुछ है।
मगर ऐसे कोई सीन नहीं है कि जो माने विरोध हो कोई हिंदू मुस्लिम का, ऐसा कुछ नहीं है। भगवा वस्त्र का था वो पहले, वो शायद काट दी गई, वो सीन नहीं है। तो इतनी भीड़ इस फिल्म के लिए, तो आपको भीड़ को एक मतलब एक काउंट करना या भीड़ को रोक पाना या भीड़ को चिल्ला चोट ना हो थोड़ा, जी, जी, जी। कोई उपद्रव ना हो, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं और बराबर लगे रहेंगे अभी आज का दिन, कल देखें जैसा माहौल बनेगा। अभी ऐसा कोई विरोध भी नहीं हुआ है बाहर, 10-12 लोग आए थे बजरंग दल के, जी, तो जी। बाहर ही मूवी को माने बंद करो ऐसा करके नारा लगा के चले गए हैं, कहने से मान गए हैं कि ठीक है ना, पोस्टल हटा दो, तो अपन ने पोस्टल हटवा दिया है। अभी सब बल लगा हुआ है, TI साहब भी बैठे हैं बाहर, है ना। इस फिल्म को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई, तो इतनी भीड़ को संभालना आप लोगों ने कैसे संभव हो पाया सर? बस वही प्रेम से कह के कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्रेम से देखें और ज़्यादा हु हल्ला ना करें, प्रेम से देखें और जैसे छूटती हो उससे आराम से चले जाएं, है ना, कोई झगड़ा झांसी ऐसी कोई बात। बहुत बहुत धन्यवाद करण सिंह जी का, हमारे लाइफ ओके न्यूज़ के सर लिए सर कुछ कहेंगे चैनल के लिए? बहुत बढ़िया है, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दर्शकों से इस फिल्म के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए चर्चा करते हैं हमारी इन बहन से, ये भी फिल्म देखने आई है और इन्हें ये फिल्म कैसी लगी? बहुत शानदार लगी और प्लस ऐसी एनर्जेटिक फिल्म है, ऐसी फिल्म पे विवाद होना ही चाहिए। शाहरुख खान और सलमान खान इज बेस्ट। थैंक यू मैडम। सुपर डुपर हिट जाएगी, 4000 करोड़ टोटल कनेक्शन रहेगा उसका, वर्ल्ड वाइड कनेक्शन 4000 करोड़ रहेगा। थैंक यू। ब्लॉकबस्टर मूवी आएगी और मूवी भक्तों के मुंह पर तमाचा है, परेड बहुत सुपर डुपर हिट जाने वाली है। किंग खान दोस्तों हमारे बीच दो थाने के TI साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें इतनी भीड़ को संभालना कैसे संभव हुआ। सर आपने इतनी सारी भीड़, जो फैंस फिल्म देखने आए, कुछ विवाद ना हो, कुछ उपद्रव ना हो, तो कैसे संभाला आपने इतनी भीड़ को? ये खुद ही क्या बोलते हैं, अनुशासित भीड़ थी, अपने आप संभल गई, संभालने की जरूरत नहीं पड़ी हमको। अच्छा आपने फिल्म देखी? अभी नहीं, देखेंगे पता नहीं। अच्छा ठीक है सर, आपने सर का साथ दिया इतनी भीड़ को संभालने में, तो कुछ बजरंग दल के लोग भी आए थे सुना है सुबह, तो कुछ ऐसी आपत्तिजनक घटना तो नहीं हुई? नहीं, पूर्व से अंदेशा था, तो इसी वजह से जो है सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता लगाई गई थी। इसके साथ जो सिनेमा हॉल के मालिक हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहा, अभी तक तो जो दोनों शो रहे हैं शांतिपूर्वक रहे हैं, अभी पुलिस व्यवस्था लगी हुई है और होपफुली सब कुछ सामान्य है, अभी कोई समस्या नहीं है। अभी कितने दिनों तक आप लोग पुलिस बल तैनात रहेगा और सुरक्षा की दृष्टि से? ऐसा कोई डिसाइड नहीं, अगर आज का दिन ठीक ठीक जाता है तो फिर पुलिस बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा सर आपने फिल्म देखी? नहीं मैंने अभी फिल्म देखी, अभी हम फिल्म देखने वालों को देख रहे हैं। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं लाइफ ओके न्यूज़ से शर्मिला जैन, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।